हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोरोना को लेकर चिंतित हैं, ओमिक्रॉन को लेकर चिंतित हैं और अपने बच्चों और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यकीनन आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये जो तस्वीरें इस वीडियो में दिख रही हैं, इन्हें देखकर हैरान मत होना। इनमें से कितने लोगों ने मास्क लगा रखे हैं और कितने लोगों ने सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंस का पालन किया हुआ है। ये तस्वीरें कुछ राजनीतिक दलों की हाल ही की रैलियों और रोड शो की हैं। वही राजनीतिक दल जो कोरोना का डर दिखाकर कहीं स्कूल कॉलेज बंद करवा रहे हैं, कहीं रात का कर्फ्यू लगाकर रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और रेहड़ी ठेला लगाने वालों के पेट पर लात मार रहे हैं, कहीं सिनेमा, जिम और मैरिज पैलेस वालों, दिहाड़ी लगाने वालों और दुकानदारों का धंधा मंदा कर रहे हैं, तो कहीं वीकेंड कर्फ्यू के नाम पर राज्य के लोगों की आजीविका पर कैंची चला रहे हैं। इनके हिसाब से कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका कमाने और अपने परिवार का पेट पालने के हर काम को करने से कोरोना फैल जाता है। अगर कोरोना किसी काम से नहीं फैलता है तो वो है इनकी रैलियां और रोड शो, जहां हजारों लाखों की संख्या में बच्चे, बूढ़े और जवान बिना मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंस के एक दूसरे से जुड़कर खड़े या बैठे होते हैं। इनसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जो आपको भी पूछना चाहिए, कि आपकी रैलियां कोरोना प्रूफ कैसे हो जाती हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, ऐसा कौन सा केमिकल स्प्रे है आपके पास, जिसका आप अपनी रैली स्थल पर और वहां तक आने वाले हर रास्ते पर और वहां आने वाली हर बस जिसमें क्षमता से ज्यादा लोगों को भरकर रैली स्थल पर लाते हो, उसमें किसी अदृश्य पंप से अदृश्य लोगों द्वारा छिड़काव कर देते हो, जिसकी वजह से वहां आने वाले सब लोग कोरोना से इम्यून हो जाते हैं और ना तो आपको और ना ही आपके साथियों को कोरोना होता है, ना ही उन लाखों लोगों को। आखिर ऐसी कौन सी लक्ष्मण रेखा खींच देते हो आप अपने रैली स्थल पर और अपनी बसों के इर्द गिर्द, जिसको कोरोना कभी पार ही नहीं कर पाता? बंद करो ये भोंडा मजाक और ये डबल स्टैंडर्ड वाले फैसले। जितने लोग आपकी रैलियों और रोड शो में आते हैं, अगर उन्हें कोरोना से कोई खतरा नहीं तो स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों, रेस्टोरेंट, ढाबों, रेहड़ी, मैरिज पैलेस में खाना खाने वालों और थिएटर, जिम आदि में जाने दुकानदारों और दिहाड़ी लगाने वाले लोगों को आखिर कैसे कोरोना से खतरा हो सकता है? और अगर आपकी रैलियों और रोड शो में आने वाले लोगों को भी इन सब लोगों की तरह कोरोना से खतरा है, तो बंद क्यों नहीं करते ये रैलियां और रोड शो? क्यों जान से मारना चाहते हो अपने ही राज्य के लोगों को? अगर आपकी रैलियों और रोड शो में आने वाले लोग कोरोना से संक्रमित हो गए तो वापस वो कहां जाएंगे? अपने घर ही ना? और फिर घर जाकर क्या वो अपने घर के बाकी लोगों को, खासकर बच्चों को, वही कोरोना नहीं बांटेंगे? क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हो? एक समझदार पेरेंट होने के नाते कोरोना से खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अगर मैं आपकी रैली और रोड शो में नहीं भी जाता, मगर मेरे ही मोहल्ले या कॉलोनी के कुछ और लोग आपकी रैलियों या रोड शो में जाकर वहां से कोरोना लाकर अपने घर में अपने बच्चों को बांट देते हैं, और उन बच्चों के साथ अगर मेरे बच्चे खेलते हैं और उन्हें भी कोरोना हो जाता है, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लोगे? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिम, थिएटर, रेस्टोरेंट, होटल आदि में तो हर तरह की कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। यदि आप कहते हो तो आधी क्षमता पर चलाए जाते हैं। पूरे कैंपस में सुनिश्चित किया जाता है कि आने वालों के बीच में 6 फीट की दूरी बनी रहे। इसके अलावा बाकायदा फर्श पर मार्किंग की जाती है, गेट पर, कमरों में और यहाँ तक कि वॉशरूम से आने के बाद भी हैंड सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था होती है। गेट और दरवाजों पर ही थर्मल स्कैनर से सबके शरीर का तापमान भी चेक किया जाता है। दिन भर सब आने जाने वाले मास्क पहने रहते हैं। यही सब इंतजाम शायद बाकी के सभी रोजगार के स्थानों पर भी होते होंगे, क्योंकि उन पर हमेशा महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की तलवार लटकी रहती है और लगातार कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने के निर्देश मिलते रहते हैं। पर क्या ये सारे इंतजाम आपकी रैली स्थल पर भी होते हैं, आपके रोड शो में भी होते हैं? क्या वहां कोरोना संबंधी किसी एक भी गाइडलाइन का पालन किया जाता है? क्या वहां आने वाले सब लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाती है? क्या उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं? क्या उन सब ने मास्क पहने होते हैं?
क्या उन सबको एक दूसरे से 6 फुट की दूरी पर बिठाया जाता है? क्या उन सबके कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं? और तो और, किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेवा केंद्र या अन्य सार्वजनिक कार्यस्थल पर बहुत ज़रूरी काम से भी जाएं तो ज़बरदस्ती कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है, चाहे वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों, नहीं तो अंदर नहीं घुसने देते। क्या आपकी रैलियों या रोड शो में शामिल होने से पहले भी ज़बरदस्ती कोरोना टेस्ट किया जाता है? यदि नहीं, तो फिर क्या सोचकर आप बाकी के सभी रोजगार के काम बंद करवा देते हो, मगर बड़ी बेशर्मी से अपनी चुनावी रैलियां और रोड शो जारी रखते हो? क्यों अपनी रैलियों में आने वाले लोगों और घर पर बैठे उनके बच्चों और अन्य परिवार वालों की जान को खतरे में डालते हो? कोई अंतरात्मा और जमीर नाम की चीज है आप लोगों में या मर चुके हैं? अगर आपके राज्य के लोगों की आपको वाकई चिंता है और वाकई उन्हें कोरोना से बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी रैलियां और रोड शो बंद करो। असल में ये सारी ऑफलाइन चुनावी कैंपेन ही बंद कर दो और सोशल मीडिया, टेलीविजन और रेडियो आदि का सहारा लेकर केवल ऑनलाइन चुनावी कैंपेन करो, ताकि जनता को विश्वास हो सके कि वाकई में आप उनके जीवन को लेकर चिंतित हो। और साथ ही साथ जनता की गाढ़ी कमाई से भरे हुए टैक्स और आपको दिए हुए पार्टी फंड के करोड़ों अरबों रुपए आप जनता की भलाई के कामों में लगा सको। और कुछ नहीं तो चुनाव जीतने के बाद अपने खर्च किए हुए करोड़ों रुपयों को 10 गुना जनता से वसूलने के लिए आपको भ्रष्टाचार का सहारा ना लेना पड़े। और अगर इतना सब सुनने के बाद भी आपने सत्ता के लालच पर आप लगाम नहीं लगा सकते और अपनी रैलियां और रोड शो जारी रखते हो, तो बाकी लोगों को भी उनका रोजगार कमाने दो, ताकि उनके परिवारों को आपकी दोहरी नीतियों का खामियाजा ना भुगतना पड़े और वो अपने परिवार वालों, खासकर अपने बच्चों का पेट भर पाएं और उनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी कर पाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएं जिसके वो हकदार हैं। मैंने तो ये प्रश्न पूछकर अपना फ़र्ज निभाया है। उम्मीद है कि अपने बच्चों से प्यार करने वाला हर माँ बाप यही प्रश्न हर राजनीतिक दल से ज़रूर पूछेगा। और जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता और जब तक सब काम धंधे पूरी क्षमता से दोबारा चालू नहीं हो जाते या फिर इनकी रैलियां और रोड शो बंद नहीं हो जाते, तब तक इनके बहकावे में आकर इनकी रैली या रोड शो में नहीं जाएगा। सब कुछ जानते बूझते भी अपने और अपने परिवार के लिए कोरोना का और जिंदगी का खतरा मोल नहीं लेगा। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, ना ही अपने ज़मीर और अंतरात्मा को मरने दो और ना ही इनको अपने ज़मीर और अंतरात्मा को मारने दो। जागो वोटर जागो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह और लोग भी इन राजनीतिक दलों के बहकावे में आने से बच जाएं और अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रख लें। मेरे चैनल प्रिंसिपल रस्सी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि भविष्य में जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।